अलवर जिले की बात करूं तो सबसे बड़ी कमी मेरे जिले में थी पानी की, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 4,718 करोड़ का बजट दिया है। मुझे लगता है इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और मुझे लगता है कि अलवर की जनता भी उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम उन्होंने दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, एक अल्पसंख्यक बालिकाओं का छात्रावास बनेगा, क्योंकि मैं मेवात क्षेत्र से आती हूँ और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, शिक्षा की बहुत अधिक कमी है, जिसकी वजह से बहुत अधिक क्राइम उस जिले में होते हैं, चाहे आप अलवर लो चाहे भरतपुर लो, शिक्षा की कमी ही उस एरिया का कारण है कि वहाँ पहलू और रकबर जैसे हत्याकांड भी होते हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम भी लागू किया है वो अलवर और भरतपुर जिले में लागू किया है। ये बहुत अच्छी बात है, गर्ल्स का हॉस्टल खुला है, लेकिन मुझे लगता है, मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी, एक बॉयज़ का हॉस्टल भी खुलने की ज़रूरत है अलवर में और भरतपुर में। और जो मेवात आवासीय विद्यालय हमारे पिछले चाहे भारत की सरकार के दौरान शिक्षा की कमी है, जो पांचवी से आठवीं तक है, उनको भी पहलू और रकबर जैसे करने की जरूरत है। और जो मुझे लगता है यही काले नहीं गए थे, वहाँ भी चार पांच मेवात आवासीय गर्ल्स स्कूल खुलने की ज़रूरत है। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब UPA 1 सरकार थी केंद्र में, तब 800 करोड़ का एक ESI मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज की घोषणा हुई थी, और 800 करोड़ रुपया आया भी था और वो हॉस्पिटल बन के तैयार भी हो गया। लेकिन जैसे ही राजस्थान में सरकार आई वसुंधरा राजे जी की, उन्होंने उस योजना पे कोई ध्यान नहीं दिया, और 5 साल से वो हॉस्पिटल 800 करोड़ का तैयार बना हुआ है, और BJP की सरकार ने उसको चमगादड़ और कबूतरों के हवाले कर रखा है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, सभी फैसिलिटीज है, मुझे लगता है एशिया में इससे अच्छा और बढ़िया हॉस्पिटल तो कोई है नहीं। तो मैं चाहूँगी, जो मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, हमारे टाइम में जो सेंक्शन हो गया था कांग्रेस की सरकार के टाइम, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि संसाधन वहाँ उपलब्ध है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मैं डिमांड करूँगी कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोल लिया जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे अलवर जिले में है और सरकारी हॉस्पिटल की है, क्योंकि पिछड़ा हुआ जिला है, हमारे लोग आपस में लड़ते हैं, तो वो सारे केस वहाँ मेडिकल जूरिस्ट के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ मेडिकल जूरिस्ट भी ऐसे हैं जो पता नहीं क्या करते हैं, हर केस को 151 के केस को भी 307 में बदल देते हैं, कि उनकी जो रिपोर्ट आती है उसमें लिख देते हैं शार्प ऑब्जेक्ट, और थानेदार उसको 307 में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे लगता है इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अलवर जिले के 3 मेडिकल जूरिस्ट हैं, तीनों का काम संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेप लिया है गुटका, पान गुटका के खिलाफ, मुझे लगता है हमारे ज़िले में दो बड़े बड़े गुटका कंपनी हैं, मामा गुटका है, जयंती गुटका है, और बहुत बुरा असर जनता पे पड़ रहा है। अभी तो 10 साल के बच्चे भी पूरे दिन गुटका खाते हुए घूमते हैं, महिलाएं भी इसकी लत उनको लग चुकी है, पुरुष तो खाते हैं, जगह जगह वो थूकते रहते हैं, जिससे गंदगी होती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो मुझे लगता है इन पर पाबंदी लगा के सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे इलाके में रोजगार, जिला रोजगार कार्यालय है, जिसको मैं चाहूँगी कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय बनाया जाए, क्योंकि अलवर जिला बहुत बड़ा है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ITIs हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर ये क्षेत्रीय कार्यालय बन जाएगा तो वहाँ के लोगों को, खासतौर पर युवाओं को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो बाड़मेर में जो रिफाइनरी 2022 तक कंप्लीट करने की बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, इस काम को पिछली सरकार ने रोक दिया था। अगर रिफाइनरी का काम शुरू होगा और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उससे वहाँ अलग यूनिट्स लगेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, तो इतना इंटीरियर का एरिया है, वहाँ लोगों को, युवाओं को बहुत अधिक रोज़गार मिलेगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे राजस्थान के लोगों को होगा, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया आता है 70 और 30, तो 30% लोकल लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो भिवाड़ी में हमारे एरिए में वो लागू नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रीज़ बाहर के लोगों को नौकरी देती हैं, लेकिन लोकल लोगों को नौकरी नहीं देती हैं। है किसी फैक्ट्री के लिए सस्ते दामों में फैक्ट्री को दिए, तो वहीं के लोगों को उसमें रोजगार देना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो इसको 70% कर दिया गया है, तो मैं चाहूंगी कि राजस्थान में भी इसको 30 से 70% लोकल लेवल पे लागू किया जाए। इसके अलावा जो पंचायत समिति लेवल पे नंदी गौशालाएं खोली गई हैं, मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा फायदा गायों को होने वाला है, वरना इनका रखरखाव कुछ होता नहीं है, बातें सब करते हैं। मैंने देखा पिछले 5 सालों में
लोगों ने गाय का इस्तेमाल सबसे पहले वोटों के लिए किया, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के लिए किया, लेकिन इनकी सेवा के नाम पे इन्होंने कोई भी काम नहीं किया था, बल्कि दोसर की गौशाला में तो हजारों की संख्या में गाय मर गई थी और अभी भी हम दौसा के रास्ते से जाते हैं तो गाय वहाँ डोलती रहती है। तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में ये काम करके ये दिखा दिया कि वो कितने सेंसिटिव हैं गौशाल गाय की सेवा को लेके। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज तो गाय की सेवा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, इससे गायों का ही बचाव हो जाएगा। जो सेवा करना सबका धर्म है उस पर भी हम किसी न किसी रूप में गायों की हम सेवा कर पाएंगे। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस की घोषणा करना और 50 करोड़ में महात्मा गांधी संस्थान बनाना जयपुर में, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलना, उनके सिद्धांतों को याद करना मुझे लगता है आज थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम में पुस्तकों में उनकी जो नीतियाँ थी, जो सिद्धांत थे, उनको धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार का संस्थान बनेगा तो इस लोगों को पता चलेगा कि आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी थी, कितना संघर्ष किया था, किसने बलिदान दिया था। क्योंकि मैं खुद एक स्वतंत्रता सेनानी की पोती हूं और एक फौजी की बेटी हूं, तो मुझे पता है कि किन्होंने जेल के धक्के खाए थे, किन्होंने गोलियां खाई थी। विपक्ष में बैठे लोग हमारे बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनसे पूछा जाए कि इनके परिवार में कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा। 2 मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि का बनाना बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में महिलाओं को सशक्त करने की बहुत ज़रूरत है, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। हालांकि पंचायती राज में 50% का आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी अभी काफ़ी ज़रूरत है कि इस तरह की योजनाओं को शुरू किया जाए। इसके अलावा अगर किसानों की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि सरकार ने किसानों का कर्ज़ा माफ़ किया था, लेकिन हर बार हम किसानों का कर्ज़ा ऐसे माफ़ करते रहें ये पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मोड़ा जाए। वैसे भी खाद नुकसान कर ही रहा है, चाहे DAP हो चाहे यूरिया, इसको हम कितना इंपोर्ट भी करते हैं, डॉलर लॉस भी लगता है हमारे देश को। प्लस इनकी अगर समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए, अगर सरसों का मूल्य 4,500 हो जाए और गेहूं का 3,000 हो जाए, तो मुझे लगता है हमारे किसान भी खुश हो जाएंगे और बार बार कर्जा माफ़ करने की योजना जो सरकार को लानी पड़ती है ये भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 70% किसान मुझे लगता है हमारी महिलाएं हैं और महिलाओं के खून पसीने की कमाई उनको नहीं मिल रही है, वो पूरी तरीके से खेती पे और पशुपालन पे निर्भर करती हैं। लेकिन जब उनसे दूध का रेट पूछा जाए तो 50 रुपये तो भैंस का दूध होता है और गाय का दूध तो 27 रुपये होता है, और फिर भी लोग गाय का दूध लेना पसंद नहीं करते। गाय की बातें चाहे सब करते हो, लेकिन उनसे कहा जाए कि गाय का दूध आप ले लो ना 70 रुपये किलो, एक आदमी सामने नहीं आएगा जो कहेगा कि हाँ मैं गाय का दूध लूंगा और 70 रुपये इसके दूंगा। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को गाय के दूध का एक समर्थन मूल्य निश्चित कर देना चाहिए, ताकि गायों की थोड़ी देखभाल लोग अच्छे करेंगे, क्योंकि इतना वो नहीं है कि वो उसको पाले, इतना खर्चा करें, उसका रिटर्न उनको नहीं मिल पाए। तो मैं सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, बहुत अच्छा बजट आया है, कोई टैक्सेस नहीं बढ़े हैं, जनता खुश है, इंडस्ट्रियल्स खुश है, स्टूडेंट्स खुश है, सब खुश हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। धन्यवाद। श्री नारायण सिंह देवल। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, ये बजट निराशाजनक है, थोती घोषणाओं के पुलिंदे से ज़्यादा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय जनता से वोट लेने के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा में बहुत बड़े बड़े लोग लुभावने वादे किए गए थे, 6 महीने हो गए, बिल्कुल जमीनी धरातल पर इन वादाओं या वादाओं का कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और उसका ही परिणाम है कि राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल को मिली। और मैं कहना चाहूँगा कि झूठ
फुट की इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के बिंदु संख्या 10 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर जमकर कोचा है और जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसकी जमकर तारीफ की गई है। मैं सभापति महोदय बताना चाहूँगा कि 1998 से 2003 के समय 3424.44 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003 से 2008 तब 1652.98 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस था और राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य था कि 2008 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार फिर आ गई और 2008 से 2009 और 2009 से 2010 जब कांग्रेस की सरकार थी रेवेन्यू डेफिसिट बढ़कर 4747.18 करोड़ हो गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी तब ये रेवेन्यू डेफिसिट 1029.21 था। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में गुमराह करने के लिए हमारी सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना करने की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ करनी चाहिए। 2015-16 में बिजली कंपनी का जो 62,422 करोड़ रुपया घाटा था वो भी उदय योजना के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और कभी भी प्रदेश में खजाना खाली होने का रट नहीं लगाया। माननीय सभापति महोदय, पिछले 50 साल में जितनी सड़कें नहीं बनी इतनी पूर्ववर्ती भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कें बनी हैं और मैं आपको कहना चाहूँगा सड़क के विभाग के लिए 14 जुलाई 2014 के बजट में ये कहा गया था कि 20,000 किलोमीटर सड़क बनेगी और इसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इस बजट के अंदर 5 साल के लिए मात्र 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है और भारतीय जनता पार्टी के समय प्रतिदिन 15 किलोमीटर सड़क राजस्थान के अंदर बन रही थी और इस वर्ष इस बजट में 1 साल के लिए 6,037 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के ठेकेदार पिछले 15 दिनों से यहाँ आंदोलन किया, उनका लगभग 9,000 करोड़ रुपया भुगतान पेंडिंग है तो ये 6,037 करोड़ से क्या होगा मुझे कोई समझ में नहीं आती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है पिछले 6 महीने में पूरे प्रदेश के साथ में मेरी विधानसभा रानीवाड़ा के अंदर 23 सड़कें और मिसिंग लिंक के ऊपर एक भी पत्थर का काम नहीं हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी 10 जून को जालोर दौरे के अंदर पधारे थे, जालोर मीटिंग ली और अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए कि 25 तारीख तक हर हालत में जितनी भी सड़कें गारंटी पीरियड में हैं और टूटी हुई है उनको ठीक किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, वो सड़कें आज भी ऐसे की ऐसे है। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी तो कम ही बोला हूँ। इस बजट में 500 से अधिक आबादी की सड़कों की घोषणा की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट है 31 मार्च 2018 की जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें प्रदेश में 500 गांव भी बताए हैं, 500 की आबादी के मात्र 829 गांव बताए हैं। तो इस जो बजट में कहा गया कि 1009 गांवों को जोड़ेंगे ये मुझे कोई समझ में नहीं आता है। जल संसाधन के बारे में कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने जो इसके ऊपर 4 साल में 50,000 हेक्टर सिंचाई के लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए और इस बजट में मात्र 4,675 करोड़ रुपए खर्च किए गए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जो हमारे जालोर और बाड़मेर की लाइफ लाइन है नर्मदा प्रोजेक्ट,
इसमें एक भी शब्द नहीं बोला है। और इसमें ईआर प्रोजेक्ट है जो हमारी 5 विधानसभाओं को सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, जालोर और आहोर को गांवों में पानी देने की व्यवस्था है, उसमें क्लस्टर में एक भी शब्द मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जब इसका जवाब दे उसमें स्पष्टीकरण कहे। और माननीय सभापति महोदय समाप्त करें, 2-3 मिनट का टाइम दीजिए। और मैं मेरे विधानसभा के कुछ जो मांगे हैं उसके बारे में कितनी होगा श्री सुरेश मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया संतुलित और अच्छा बजट है इसका समर्थन करता हूं। इस बजट में सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा गया है। राजस्थान चूंकि कृषि प्रधान राज्य है एवं अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं, आश्रित हैं, इसलिए बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली के बिल किसानों के लिए दरें 5 साल तक नहीं बढ़ेंगी इस बात की घोषणा की, 1,000 करोड़ की लागत से किसान कल्याण कोष की स्थापना की जो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने का के काम में लिया जाएगा, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 3 जिलों में 10 करोड़ रुपए व्यय करने का भी प्रावधान किया गया है, किसानों को सही समय पे खाद मिले इसके लिए 1,00,000 टन DAP और 2,00,000 टन यूरिया का भंडारण करने का भी काम किया जाएगा, उन्नत कृषि तकनीकों को किसानों को जानकारी देने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में सरकार ने किया है। किसानों की आज सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है जिससे निपटने के लिए भी सरकार ने